दोस्तों, क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की एक फिल्म की सेट पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया है? जी हाँ, पठान के बाद एसआरके अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। तो आखिर वो कौन सी फिल्म है और किस वजह से शूटिंग रोककर हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ गया, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। पठान के बवाल के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बेशरम रंग को लेकर लोग अब भी काफी नाराज हैं। पठान की शूटिंग के बाद शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म डंकी की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पर्यटन स्थल भेड़ घाट में हो रही है। यह खबर जब फैली कि शाहरुख खान यहां पर फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद वहां पर आरएसएस से जुड़े हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पहुंचकर जमकर विरोध किया, जिस कारण शूटिंग को काफी देर तक रोकना पड़ गया। इस दौरान लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि शूटिंग के दौरान शाहरुख खान या फिल्म का कोई भी बड़ा स्टार सेट पर मौजूद नहीं था। मेकर्स को यह बात पहले से ही पता थी कि कुछ न कुछ बवाल जरूर होगा, इसीलिए शूटिंग में शाहरुख खान के बॉडी डबल्स यानी डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था। गजब दिमाग लगाते हैं भाई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शूटिंग के विरोध में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने भेड़ घाट में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कहा कि जो एक्टर या एक्ट्रेस धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे पवित्र नर्मदा तट की तपोभूमि पर शूटिंग करने नहीं दिया जाएगा और उसे हमेशा के लिए यहाँ आने से बैन भी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा गाने में भगवा बिकनी को लेकर काफी नाराजगी दिखाई और कहा कि पठान में कुछ आपत्तिजनक दृश्य हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उसे नहीं हटाया गया तो मध्य प्रदेश में इस फिल्म को बैन कर दिया जाएगा। इस विरोध और बॉयकॉट के चक्कर में फिल्म को लगातार पॉपुलैरिटी मिल रही है। गाने ने तो रिकॉर्ड बना ही दिया है, अब लग रहा है फिल्म भी रिकॉर्ड बना देगी। इसी बॉयकॉट ट्रेंड ने ब्रह्मास्त्र जैसी फालतू फिल्म को भी हिट करवा दिया और अब पठान के साथ भी यही होने वाला है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक यहाँ पर कई लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर इस फिल्म का नाम डंकी क्यों रखा गया है। जैसा कि पहले भी देखा गया है, राजकुमार हिरानी सामाजिक मुद्दों पर ही फिल्में बनाता है, लेकिन पीके अपनी हद पार कर दी थी। खैर, इसको किसी और दिन पे के डंकी भी एक सामाजिक मुद्दे की फिल्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। डंकी असल में एक कोड वर्ड है। यह कोड आया है डोंकी फ्लाइट से, जिसका मतलब है इल्लीगल बॉर्डर इमिग्रेशन, यानी अवैध तरीके से अप्रवासियों को बॉर्डर पार करवाना। अब चूंकि हमारे यहाँ डोंकी को डंकी बोला जाता है, इसीलिए इस फिल्म का टाइटल भी डंकी रखा गया है। टीजर देखकर यही लग रहा है कि फिल्म डंकी फ्लाइट्स पर बेस्ड होगी। डंकी फ्लाइट्स का मतलब सिर्फ हवाई जहाज या किसी अवैध तरीके से घुसपैठ करना नहीं है, बल्कि किसी भी अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो यह किसी भी देश में घुसने का गैर कानूनी तरीका है। आमतौर पर जिन लोगों को वैध तरीके से किसी भी देश में एंट्री नहीं मिलती है, वो दूसरे देशों से होते हुए अपनी पहचान छिपाकर उस देश में पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके को डंकी फ्लाइट्स कहा जाता है। यह समस्या इतनी बड़ी और भयानक है कि इसे इस तरह से समझिए कि हर साल भारत और दुनिया भर के हजारों लोग इसी तरह दूसरे देश में घुसने की कोशिश करते हैं। इसमें 20 से 30 साल तक के लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। आज भी पंजाब के बहुत से लोग, जिनके पास सरवाइव करने तक के पैसे नहीं होते, वो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों में बसने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी इसी तरह ट्रेवल करते हैं। इस वक्त अमेरिका में अवैध प्रवासी भेजने वालों में भारत 5वें नंबर पर है और जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ आने वाले समय में यह पहले नंबर पर भी आ सकता है। फिल्म के टाइटल अनाउंसमेंट के पोस्टर को देखा जाए तो यह साफ तौर पर दिख रहा है कि फिल्म अवैध तरीके से दूसरे देश में जाने की कोशिश करने वालों पर ही बेस्ड है। पोस्टर में रेगिस्तान की कड़ी धूप में कई लोग पैदल यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं। खैर, अब यह तो ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा कि बॉलीवुड की डंकी आखिर है क्या चीज। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या पठान ब्लॉकबस्टर साबित होगी? क्या फिल्मों को हिट करवाने के पीछे बॉयकॉट ट्रेंड का सबसे बड़ा योगदान होता है? जो भी आपकी राय है, उसे हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।